नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्नैपचैट ओपनिंग के साथ। बात करेंगे आज स्कोर बोर्ड की। दोस्तों आज का मुकाबला इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीच खेला गया, जो 16वां T20 मुकाबला ICC T20 वर्ल्ड कप। दोस्तों बात करेंगे पप्पा मुकाबले की। 18वां मुकाबला सरजा में जो खेला गया था उसमें ICC में T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया उमेन ने अपने 151 की पारी के लिए 8 विकेट नुकसान पर इंडिया उमेन ने लक्ष्य का पीछा किया 142 प्रति 9 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया उमेन ने 9 विकेट से जीत लिया। परफॉर्म बहुत ही शानदार अच्छा रहा। तो पारी की अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया उमेन और इंडिया उमेन के बीच का मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया उमेन ने 151 की पारी के लिए 8 विकेट नुकसान पर इंडिया उमेन ने अपने 142 विकेट नुकसान पर 20 ओवर का मुकाबला खेला गया। उसमें बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला मिला 152 टारगेट मिला था वो 142 रन से दूर, मात्र 9 रन दूर थी टीम और इस मुकाबले को हाथ से गवाया। 18वां मुकाबला ICC T20 वर्ल्ड कप का। दोस्तों पारी की बात करें, पारी है बहुत ही शानदार एक अच्छे दिन पारी विकेट। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया उमेन की बैटिंग जो किस तरह से रही आज इंडिया के खिलाफ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों बता दें मुकाबला ये दुबई में जो खेला जा रहा मुकाबला आज का ICC उमेन T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया उमेन वर्सेस बैत मुंडी ने आप दो रन की पारी के लिए आते 7 के दो रन बनाए। रेणुका सिंह ने विकेट लिया था यादव ने कैसा का बारे हम 0 विकेट लगाया था। रेणुका सिंह ने कहा था 2 विकेट लेते हुए दोनों बल्लेबाजों को 8 गेंद में 2 ओवर में रवाना किया। तहिला में क्रोध 32 की एक शानदार पारी के 26 गेंदों में 4 चौके वाले से आए थे। यादव की गेंद थी कोस्ट ने स्टेपिन किया तहिला में क्रोध का। एलिसा पेरी की बात की जाए तो यहाँ पर 23 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए थे, 2 चौके छक्का लगाए थे। 139.13 के स्टायरेट शर्मा की गेंद थी और सहजाना एलिसा पेरी को 32 रन पर आउट किया। एसले गार्डन की बात की जाए तो 6 गेंदों में 6 रन बनाए थे उन्होंने, 1 चौका उनके बल्ले से आया था। 100 के लिए स्टायरेट और मस्तकार की गेंद थी, यादव ने आसान से कैच लपकते हुए एसले गार्डन को 6 रन पर आउट किया। इस तरह से मुकाबला रेणुका सिंह की बहुत ही शानदार चिकन मस्जिद इतिहास में पहली बार दर्ज हुई। इतिहास के पन्नों में एलिसा पेरी का 32 रन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इस मुकाबले में पारी वो फिर से बहुत ही शानदार अच्छी थी। रेणुका सिंह की अच्छी गेंदबाजी है देखने मिली है। वो यहाँ पर वस्तुकार यादव और शर्मा में अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले को अंजाम दिया। वो 151 रन पर ठेर किया ऑस्ट्रेलिया टीम को, उसके बाद 142 रन पर ठेर हुई टीम इंडिया ने अपने विकेट से ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीत लिया इस मुकाबले को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्नैपचैट ओपनिंग के साथ। बात करेंगे आज स्कोर बोर्ड की। दोस्तों आज का मुकाबला इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया बीच खेला गया, जो 16वां T20 मुकाबला ICC T20 वर्ल्ड कप। दोस्तों बात करेंगे पप्पा मुकाबले की। 18वां मुकाबला सरजा में जो खेला गया था उसमें ICC उमेन T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया उमेन ने अपने 151 की पारी के लिए 8 विकेट नुकसान पर इंडिया उमेन ने लक्ष्य का पीछा किया 142 प्रति 9 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया उमेन ने 9 विकेट से जीत लिया। परफॉर्म बहुत ही शानदार अच्छा रहा। तो पारी की अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया उमेन और इंडिया उमेन के बीच का मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया उमेन ने 151 की पारी के लिए 8 विकेट नुकसान पर इंडिया उमेन ने अपने 142 विकेट नुकसान पर 20 ओवर का मुकाबला खेला गया। उसमें बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला मिला 152 टारगेट मिला था वो 142 रन से दूर, मात्र 9 रन दूर थी टीम और इस मुकाबले को हाथ से गवाया। 18वां मुकाबला ICC T20 वर्ल्ड कप का। दोस्तों पारी की बात करें, पारी है बहुत ही शानदार एक अच्छे दिन पारी दो विकेट। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया उमेन की बैटिंग जो किस तरह से रही आज इंडिया के खिलाफ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों बता दें मुकाबला ये दुबई में जो खेला जा रहा मुकाबला आज का ICC उमेन T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया उमेन वर्सेस बैत मुंडी ने आप दो रन की पारी के लिए आते 7 के दो रन बनाए। रेणुका सिंह ने विकेट लिया था यादव ने कैच लपका बारे हम 0 विकेट लगाया था। रेणुका सिंह ने कहा था 2 विकेट लेते हुए दोनों बल्लेबाजों को 8 गेंद में 2 ओवर में रवाना किया। तहिला में क्रोध 32 की एक शानदार पारी के 26 गेंदों में 4 चौके उनके बल्ले से आए थे। यादव की गेंद थी कोस्ट ने स्टेपिन किया तहिला में क्रोध का। एलिसा पेरी की बात की जाए तो यहाँ पर 23 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए थे, 2 चौके छक्का लगाए थे। 139.13 के स्टायरेट शर्मा की गेंद थी और सहजाना एलिसा पेरी को 32 रन पर आउट किया। एसले गार्डन की बात की जाए तो 6 गेंदों में 6 रन बनाए थे उन्होंने, 1 चौका उनके बल्ले से आया था। 100 के लिए स्टायरेट और मस्तकार की गेंद थी, यादव ने आसान से कैच लपकते हुए एसले गार्डन को 6 रन पर आउट किया।
इस तरह से मुकाबला रेणुका सिंह की बहुत ही शानदार चिकन मच इतिहास में पहली बार दर्ज हुई। इतिहास के पन्नों में एल से पेरी का 32 रन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इस मुकाबले में पारी में फिर से बहुत ही शानदार अच्छी थी। रेणुका सिंह की अच्छी गेंदबाजी देखने मिली है। वो यहाँ पर वस्तुकार यादव शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले को अंजाम दिया। वो 151 रन पर ठहर के ऑस्ट्रेलिया टीम को शुरुआत 100 पर ठहर हुई। टीम इंडिया अपने 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया इस मुकाबले को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्नैपचैट ओपनर के साथ। बात करेंगे आज स्कोर बोर्ड की। दोस्तों आज का मुकाबला इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया बीच खेला गया, जो 16वां T20 मुकाबला ICC T20 वर्ल्ड कप। दोस्तों बात करेंगे परफॉर्म मुकाबले की। 18वां मुकाबला सरजा में जो खेला गया था उसमें ICC में T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया उमेन ने 151 की पारी के लिए 8 विकेट नुकसान पर इंडिया उमेन ने लक्ष्य का पीछा किया 142/9 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया उमेन ने 9 विकेट से जीत लिया। परफॉर्म बहुत ही शानदार अच्छा रहा। तो पारी की अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया उमेन और से इंडिया उमेन के बीच का मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया उमेन ने 151 की पारी के लिए 8 विकेट नुकसान पर इंडिया उमेन ने यहाँ पे 142/9 विकेट नुकसान पर 20 ओवर का मुकाबला खेला गया। उसमें बहुत ही शानदार अच्छा मुकाबला मिला 152 टारगेट मिला था। वो 142 रन से दूर मात्र 9 रन दूर टीम और इस मुकाबले को हाथ से गवाया। 18वां मुकाबला ICC T20 वर्ल्ड कप का। दोस्तों पारी की बात करेंगे, पारी है बहुत ही शानदार एक अच्छे रही। दोस्तों पारी विकेट बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया उमेन की बैटिंग जो किस तरह से रही आज इंडिया के खिलाफ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों बता दें मुकाबला ये दुबई में जो खेला जाना मुकाबला आज का ICC उमेन T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया उमेन वर्सेस बैतमुनी ने आप 2 रन की पारी खिले आते 7 के 2 रन बनाए। रेणुका सिंह ने विकेट लिया था यादव निकेश सब का बारे हम 0 पर विकेट गवाया था। रेणुका सिंह ने कहा था 2 विकेट लेते हुए दोनों बल्लेबाजों को 8 गेंद में 2 ओवर में रवाना किया। तहिला में क्रोध 32 की एक शानदार पारी के 26 गेंदों में 4 चौके के बल्ले से आए थे। यादव की गेंद कोच ने स्टेपिट किया तहिला क्रोध का। एलिसा पेरी की बात की जाए तो यहाँ पर 23 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए थे। 2 चौके एक छक्का लगाए थे 139.13 के डायरेक्ट शर्मा की गेंद थी और सहजाना एलिसा पेरी को 32 रन पर आउट किया। एसले गार्डन की बात की जाए तो 6 गेंदों में 6 रन बनाए थे उन्होंने। एक चौका उनके बल्ले से आया था सोख की थी डायरेक्ट और वस्तकार की गेंद थी। यादव ने आसान से कैच लपकते हुए एसले गार्डन को 6 रन पर आउट किया। इस तरह से मुकाबला रेणुका सिंह की बहुत ही शानदार चिकन मच इतिहास में पहली बार दर्ज हुई। इतिहास के पन्नों में एल से पेरी का 32 रन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इस मुकाबले में पारी वो फिर से बहुत ही शानदार अच्छी थी। रेणुका सिंह की अच्छी गेंदबाजी देखने मिली है। वो यहाँ पर वस्तुकार यादव शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले को अंजाम दिया। वो 151 रन पर ठहर के ऑस्ट्रेलिया टीम को शुरुआत 142 पर ठहर हुई। टीम इंडिया अपने 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया इस मुकाबले को। धन्यवाद।